ऋषिकेश में वन विभाग की जमीन पर भूमाफिया सड़क किनारे लगातार कर रहे कब्जा। खबर छपने पर वन अधिकारी ने एक पत्रकार का तोड़ा घर, दूसरे पत्रकार को दी जेल भेजने की धमकी। हरक सिंह रावत ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। चमोली में सड़क नहीं होने से लोग हो रहे परेशान। कुर्सी की कंडी के सहारे मरीज को पहुंचाया गया अस्पताल। भारी बारिश से कई जगह सड़क क्षतिग्रस्त। डीएम ने कहा भारी बारिश से 10 सड़कें हैं बंद। मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा बीजेपी सरकार में लूट का अड्डा बना है। उत्तराखंड नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे मुख्यमंत्री। देवप्रयाग में बछड़े को बचाने के लिए गुलदार से भिड़ा सांड। सांड ने बछड़े को बचाया। गायों के झुंड पर गुलदार ने बोला था हमला। भिड़ंत की तस्वीर सीसीटीवी में हुई कैद। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर। कोरोना वायरस के कहर जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या 40 लाख के पार हुई है। कोरोना के 90,632 नए मामले आए सामने। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में हुई है 81 और मौतें। 1,006 नए मामले आए हैं सामने। इससे पहले राज्य में कोविड-19 के सर्वाधिक 6,233 मामले 30 अगस्त को सामने आए थे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द उड़ान शुरू कराने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर है। इस एयरपोर्ट के बाकी बचे निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री भी समय समय पर कार्यों में तेजी लाने का निर्देश देते रहे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रति केंद्र और प्रदेश सरकार की गंभीरता भी इस बात से समझी जा सकती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आकर निर्माण कार्यों का जायजा लेने वाले। बलिया में टीडी कॉलेज चौराहे पर छात्र नेताओं ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बेरोजगारी सर्टिफिकेट की मांग की। छात्रों ने ताली और थाली बजाकर अपना विरोध जाहिर किया। गाजियाबाद में एक सरकारी स्कूल ने ऑनलाइन स्टडी में आ रही दिक्कत को दूर करने का नया फॉर्मूला निकाला। यह फॉर्मूला बच्चों के लिए काफी मददगार भी साबित हो रहा है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के करीबियों पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। पिस्तौल के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए फर्जी कागजात के इस्तेमाल के मामले में मुख्तार अंसारी के करीबी मिराज अहमद के खिलाफ पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। वहीं इस पूरे मामले प्रभारी निरीक्षक ने कहा है कि मिराज अहमद ने पिस्तौल के नवीनीकरण के लिए फर्जी कागजात लगाया था जिसके तहत केस दर्ज किया गया। महाराजगंज के पनियरा थाना इलाके में आज निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद के स्वागत समारोह कार्यक्रम में मारपीट हो गई है और साथ ही एक दूसरे पर ईंट और पत्थर और डंडे से वार किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से समाज में शोषित और वंचित महिलाओं को लगातार जागरूक करने का काम किया जा रहा है। विधिक सेवा न्यायाधिकरण की सचिव और साथ ही जज सीनियर डिवीजन सुधा सिंह ने मूकवधिर मानसिक रूप से बीमार बालिका और महिलाओं से उनका हालचाल जाना। गोंडा में सूबे के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री के प्रतिनिधि वेद प्रकाश दुबे को मोबाइल पर मैसेज भेजकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई। रुपए न देने पर गोली मार देने की धमकी भी दी गई।
प्रदेश के सरकारी स्कूल में बच्चों की यूनिफॉर्म वितरण में भ्रष्टाचारियों ने सरकार के इस कार्य का पलीता लगा दिया है। सरकार ने बच्चों को गुणवत्ता वाली ड्रेस देने के लिए प्रति बच्चे 600 रुपए की धनराशि भेजी, लेकिन सरकार की नुमाइंदों ने अपनी जेब भरने के लिए बच्चों की ड्रेस को ही निगल लिया और उन्हें कमीशन बाजी में उतार दिया। जालान में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, 4000 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। केमिकल और अवैध शराब बनाने का उपकरण भी जब्त किया गया है। पुलिस ने कई आरोपियों को किया है गिरफ्तार। मथुरा के वृंदावन थाना इलाके में युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। गैंगरेप की घटना वृंदावन में की गई है। युवती की तहरीर पर पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मिर्जापुर में बाइक और वैन में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों पक्षों में मारपीट में 8 लोग घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर है। 3 लोगों को ट्रामा सेंटर में रेफर किया गया है। साथ ही चिल्ह थाना इलाके का यह पूरा मामला। बुलंदशहर में पेंच व्यापारी के घर में घुसकर लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरों ने घर से नकदी और आभूषण सहित लाखों का माल लूट लिया और साथ ही विरोध करने पर व्यापारी के बुजुर्ग मां के सिर पर हमला भी कर दिया। वहीं हमले में महिला गंभीर रूप से घायल कर दी गई है। लुटेरे घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी लेकर फरार हो गए। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी। प्रयागराज के करेली थाना इलाके में व्यापारियों और मजदूरों ने किया है जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे लोगों का यह भी आरोप है कि प्रयागराज के तमाम थानों की पुलिस गाड़ियों से जगह जगह अवैध वसूली करती है, जिससे कि बालू व्यापार से जुड़े हुए हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। वाराणसी में बीएचयू का एक और छात्र हुआ है लापता। घर से यूनिवर्सिटी में दस्तावेज जमा करने आया छात्र लापता है। करीब एक हफ्ते से छात्र नहीं लौटा घर। 27 अगस्त को बिहार के कैमूर से बीएचयू आया था छात्र। बीए के प्रथम वर्ष का है छात्र। लंका थाने में परिजनों ने करवाया गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज। मुरादाबाद में कोरोना संक्रमित हेड कांस्टेबल ने अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर लिया। मृतक की 1 सितंबर को रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। 2 कोरोना मरीज पहले भी कर चुके हैं आत्महत्या। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बस को मारी टक्कर। हादसे में 2 महिला मजदूर की मौत हो गई। मजदूरों को लेकर राजस्थान जा रही थी बस। हाथीगवा थाना इलाके का मामला। मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिक्चर पैलेस चौक पर प्रदर्शन किया है और साथ ही बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस्तीफे की मांग की। देवप्रयाग में बछड़े को बचाने के लिए गुलदार से भिड़ा है सांड। सांड ने बछड़े को बचाया है गायों के झुंड पर। गुलदार ने बोला था हमला। भिड़ंत की तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। चमोली में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत गांव-गांव सड़कों का विस्तार की योजना है। चमोली जिले में निर्माण एजेंसी लेट लतीफी पर पलीता लगा रही है और यही कारण कि आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों से कुर्सी के सहारे मरीजों को सड़क तक लाने की तस्वीरें सामने आती हैं।